Assalamu alaikum. This is Umaima Shakur from the LIMS University. Now we are starting our second lecture of course title Optics, and the course code is 302. सबसे पहले हम इसकी रिवीजन करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था. लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली ऑप्टिक्स को डिस्कस किया था, जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने टोटल चैप्टर कितने पढ़ने हैं, ऑप्टिक्स में हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, और इसमें हमने बेसिकली कौन सी लाइट को लेकर आगे चलना है, विजिबल लाइट को या इनविजिबल लाइट को, तो वो हमने सारा डिस्कस किया था. उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास वेव क्या है. हमने वेव की बेसिक जो टाइप्स हैं दो, वो डिस्कस की थी कि एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और दूसरी हमारे पास मैकेनिकल वेव है. उन दोनों टाइप्स को हमने डिस्कस किया था, उनका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था हमने. फिर मैंने आपको ये बताया था कि हम जो मैकेनिकल वेव है उसे डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ, हमने डिस्कस करना है सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, मतलब लाइट वेव को हमने डिस्कस करना था. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ी सी जो हमारे पास वेव्स थी, तकरीबन 6 से 7 हमने रेज को डिस्कस किया था. तो उनका जो वेवलेंथ था और जो फ्रीक्वेंसी थी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उनको डिफ्रेंशिएट किया था और उनके यूजेज देखे थे, प्रैक्टिकल लाइफ में उनका क्या यूजेज है, तो हमने वो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. इसके अलावा हमने उन सब की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज भी देखी थी, उनकी वैल्यू हमने देखी थी, और फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया था लाइट को, जो हमारा मेन टॉपिक है, लाइट और दी विजिबल लाइट. मैंने कहा था इसे हम या लाइट बोलते हैं या विजिबल लाइट भी बोलते हैं. फिर मैंने आपको ये बताया था कि हम लाइट के बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कितनी टाइप्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, मतलब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम हीट अप करें वो तब ग्लो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपनी हीट अप कंडीशन में तो ग्लो नहीं करते, ओरिजिनल कंडीशन में, मतलब अगर उनको कूल किया जाए तब वो ग्लो करते हैं. तो उनकी बेसिस पर हमने जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको डिफरेंट नाम दिए थे और उन प्रोसेस के नाम भी हमने देखे थे, जिसमें ल्यूमिनेसेंस, इनकैंडिसेंट और इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे. फिर उसके बाद हमने स्पीड ऑफ लाइट को डिस्कस किया था. स्पीड ऑफ लाइट में हमने डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे, और हमने इसमें हिप्पोलाइट का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था डिटेल से. तो एक्सपेरिमेंट इसके लिए जो हमने किया था वो हिप्पोलाइट का एक्सपेरिमेंट किया था, और वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हमने फाइंड आउट की थी 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड, जो हमने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट की थी. राउंड अबाउट हम उसे 3 × 10⁻ मीटर पर सेकेंड लेते हैं. तो आज हम ये देखेंगे कि ये जो लाइट वेव है, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का, वो ये है कि हमने ये जो प्रोपिगेशन ऑफ लाइट है, मतलब लाइट एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से जाती है, ये हमने देखना है. बेसिकली जब हम लाइट वेव को डिस्कस करते हैं तो वो उसका मतलब यही होता है कि हम वैक्यूम में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम इसे स्पेसिफिकली वैक्यूम में तो डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसे डिस्कस करेंगे मैटर में, कि हम मैटर में किस तरीके से प्रोपिगेशन को डिस्कस कर सकते हैं. तो जब हम मैटर की बात करते हैं तो हमारे पास मैटर की बेसिक जो टाइप्स हैं वो 3 हैं, और फोर्थ वन भी इसकी जो न्यूली डिस्कवर्ड टाइप है वो प्लाज्मा है. सॉलिड आपको पता है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो मूव नहीं करते, फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं, लेकिन जो लिक्विड है वो ऐसा है जिसमें मूव करते हैं. गैसेस में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होती है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं. और प्लाज्मा में हमारे पास क्या है, जब हम इन गैसेस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं कि वो डिफरेंट आयंस में बनना शुरू हो जाए, डिफरेंट उसके आयंस बनना शुरू हो जाए, तो वहां से जो स्टेट बनती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा. स्पीड ऑफ लाइट
जनरली रेफर्स टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब जब भी हम ये कहेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं इन वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर, थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इन मैटर वो इंक्लूड करती है, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्लूड करती है, किसे इंक्लूड करती है, कंसिडरेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि जो लाइट वेव है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ऐसी वेव जो मीडियम रिक्वायर नहीं करती। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हमारे पास लाइट वेव है तो इसका मतलब, और हमने डिस्कस भी लाइट वेव को ही करना है डिटेल से, तो इसका मतलब है हमें इलेक्ट्रिक को भी डिस्कस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिस्कस करना पड़ेगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड को भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करते हैं तो हम एक कॉन्स्टेंट यूज करते हैं जिसे हम नाम देते हैं एप्सिलॉन नॉट का। क्या होता है ये एप्सिलॉन नॉट? बेसिक क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये बेसिकली हमारे पास परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी वर्ड का क्या मतलब है? परमिट करना, मतलब इजाजत देना। किस चीज को इजाजत देना? फ्री स्पेस की है ये हमारे पास, और यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि उसमें से फील्ड लाइन कितनी पास आउट हो सकती हैं, ये हमारे पास परमिटिविटी है। परमिटिविटी हम यूज करते हैं फ्री स्पेस के लिए। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं किसी मीडियम के अंदर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई मीडियम है, कोई कंडक्टर है हमारे पास, हम उसके ऊपर जब फील्ड अप्लाई करते हैं पॉजिटिव, और ये मैंने नेगेटिव लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव बनाने का मतलब यह है कि जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। जब हम इस मटेरियल के ऊपर, जो हमने ये कंडक्टर इसके अंदर रखा है, इसे मैं नाम दे रही हूँ सी का, तो ये जो कंडक्टर है जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, मतलब ये अपने अंदर से कितनी इन फील्ड लाइन को पास आउट करने देगा। तो इसका जो कांस्टेंट होता है, हर मटेरियल का कांस्टेंट वैरी करता है, मटेरियल टू मटेरियल वैरी करता है हमेशा। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्यूमिनियम है, कोई कॉपर है, तो उसका जो कांस्टेंट होगा वो डिफरेंट होगा। तो इस कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं के ई से, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसे। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कोई हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक वैसे हमारे पास बेसिकली इंसुलेटर होते हैं, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट है जो हमें ये बताएगा कि हम इसके अंदर से कितनी फील्ड लाइन को पास आउट कर सकते हैं, हम इसमें कितनी स्टोर कर सकते हैं, और ये जो है ये हमें बताएगी फ्री स्पेस की परमिटिविटी के बारे में। तो जब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट की, कि स्पीड ऑफ लाइट मैटर में क्या है, तो हम वी का वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सी जो है वो तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है हमारे पास, तो इसलिए हम सी यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। जब हम दोनों को कंसीडर करेंगे तब हम सी यूज करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा, आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा हुआ है कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान में कोई मटेरियल रख दें तो हमारे पास फोर्स रिड्यूस हो जाती है। तो उसी तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि जो के ई होता है और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, कूलम्स लॉ से भी अगर आप देखें तो उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इसका इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो V है और ये जो कांस्टेंट है ये इनवर्स रिलेशन रखते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि जब यहाँ पर हम किसी मीडियम को रखेंगे जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखता है, जो एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होगी, उसे हमने V का नाम दिया हुआ है इन केस ऑफ मैटर। तो इसी तरीके से ये हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के केस में हम क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक कांस्टेंट यूज करते हैं जो बताता है कि किसी मटेरियल में, मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आउट होंगी।
म्यू नॉट यूज करते हैं, परमी अबिलिटी जिसे हम बोलते हैं परमी अबिलिटी। परमी अबिलिटी क्या होती है कि ये जो म्यू नॉट है इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, बोलते हैं इसे म्यू नॉट परमी अबिलिटी। परमी अबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस मतलब जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तो हमारे पास मैग्नेट होता है नॉर्थ एंड साउथ, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। जब हम म्यू नॉट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि फ्री स्पेस में से कितनी फील्ड लाइंस की अबिलिटी है गुजरने की, तो ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट है 4π × 10⁻⁷ इसकी वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास हो गया परमी अबिलिटी की वैल्यू। जिस तरह हमारे पास इक्वेशन 1 में दोनों का इनवर्स रिलेशन है उसी तरीके से इक्वेशन 2 मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी दोनों का इनवर्स रिलेशन होगा। अब हमने कंसीडर कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैग्नेटिक फील्ड को भी, अब हम कंसीडर करते हैं दोनों को। अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को लेकर चलें तो यहाँ पर हम दोनों की जो इक्वेशन है अगर उनको कंबाइन करें तो हमारे पास जो V है किसी भी मैटर के अंदर, अगर हम दोनों चीज़ें देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट को गुजार रहे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हमारे पास ये मैंने कॉन्स्टेंट रीअरेंज करके लिख दिए हैं के एम के ई साइड इस तरफ लिख दिया है और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट को साइड पर लिख दिया है। ये जो वैल्यू है हमारे पास 1/√μ0ε0 ये हमारे पास एक कांस्टेंट के बराबर होती है जिसे हम कहते हैं C। अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि ये C के इक्वल ही है? अब यहाँ पर आपने क्या करना है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, 8.85 इसकी वैल्यू होती है × 10⁻²। तो यहाँ पर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट लेना है, फिर आपने डिवीजन करना है, तो डिवीजन करके देखिएगा आपकी वैल्यू जो है वो C के इक्वल आएगी। इसलिए हमने ये जो वैल्यू है पूरी इसे कांस्टेंट C का नाम दिया है। तो अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, मतलब ये जो कांस्टेंट हमने कंसिडर किया था इसको हमने नॉमिनेटर में लिख दिया C, और ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई डिनोमिनेटर में, इक्वेशन ए आपको मिल गई। अब ये जो इक्वेशन है आपके पास v = c/√kmke ये आपको बेसिकली प्रोवाइड कर रही है स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर, मैटर में आपको स्पीड प्रोवाइड कर रही है जो डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर उनके कांस्टेंट के ऊपर उसकी वैल्यू क्या है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसमें आपने फाइंड आउट करना है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो आप ये फार्मूलाज यूज कर लेंगे, अगर आपने स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर फाइंड आउट करनी है तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। डिपेंड करता है कि आपके पास न्यूमेरिकल में कौन सी चीजें दी हुई हैं। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, इक्वेशन ए हमने फाइंड आउट कर ली स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर। अब स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर में हमने कैलकुलेशन फाइंड आउट कर ली, इसमें हमारे पास क्या है? तो बेसिकली जो हमारे पास इसका मैकेनिज्म है हम उसको डिस्कस करते हैं। हमने कैलकुलेशन फाइंड आउट कर ली, अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसका कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है जो हम कह रहे हैं कि प्रोपिगेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर किस तरीके से होती है, हमने उसकी कैलकुलेशन देखी है, तो इसका जो बेसिक मैकेनिज्म है वो है स्कैटरिंग। मतलब ये जो प्रोपिगेशन हो रही होती है लाइट की मैटर में वो उसके पीछे फिनोमिना क्या है, वो है स्कैटरिंग का। अब स्कैटरिंग का मतलब आपको पता है किसी चीज का स्कैटर्ड हो जाना डिफरेंट डायरेक्शंस में। अब ये स्कैटरिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं एग्जांपल लेती हूँ वहां से आपको ठीक समझ आएगा। लेट्स सपोज ये यहाँ पर मेरे पास कोई एक मीडियम है, इसे मैं नाम दे रही हूँ एम का। ओके, तो इस मीडियम के ऊपर मैंने कोई लाइट गिराई, विजिबल लाइट गिराई,
तो ये जो लाइट है ये स्कैटर्ड हो गई डिफरेंट डायरेक्शंस में। अब ये जरूरी नहीं है ये इसी साइड पर ही जाए, ये मैं खुद ही से सपोजिशन ले रही हूँ। ये इस साइड में भी जा सकती है, ये वापस इस साइड में भी जा सकती है। स्कैटर्ड का मतलब होता है स्कैटर्ड हो जाना, हर तरफ बिखर जाना चीजों का। तो ये जो लाइट है बेसिकली, ये वाली जो लाइट है इसको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये इंसिडेंट लाइट है। और बाकी जो सारी हैं ये यहाँ पर स्कैटर्ड हैं। अब जब हम स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ तक तो बात ठीक है कि लाइट उस इंसिडेंट लाइट मैटर के ऊपर पड़ रही है और फिर वो स्कैटर्ड हो रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। लेकिन क्या सिर्फ यही फिनोमिना होता है या इसके अलावा भी कोई फिनोमिना होता है? तो इसके अलावा स्कैटरिंग के साथ साथ हमारे पास और कौन सा फिनोमिना हो रहा होता है? वो हो रहा होता है एब्जॉर्प्शन का। अब एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई ब्लैक बॉडी हो तो उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो लाइट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और कम से कम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और व्हाइट जो कलर है वो उसका उलट है कि ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और कम लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो उसी तरीके से अब मुझे नहीं पता ये मटेरियल कौन सी चीज का बना हुआ है, कौन सी मेटल का है, इसके ऊपर कलर कौन सा है। तो ये कोई भी कलर हो सकता है इसके ऊपर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ स्कैटरिंग होगी। जैसे हमने शुरू में कहा कि बेस कर रहा है मैकेनिज्म, इसका बेस करता है स्कैटरिंग पे, लेकिन स्कैटरिंग के साथ साथ हमारे पास एब्जॉर्प्शन भी होती है। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? जैसे ये मटेरियल है हमारे पास जो हमने एम का नाम दिया हुआ है, ये जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं इसकी सरफेस के ऊपर, इसमें से कुछ लाइट होगी जो इस मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ लाइट होगी जो इस स्कैटर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो जाएगी। मतलब यहाँ पर स्कैटरिंग के साथ साथ एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना भी हो रहा है। अब लाइट एब्जॉर्ब भी हो गई, स्कैटर्ड भी हो गई। अब जिस बॉडी ने एब्जॉर्ब की है लाइट, वो इसको इमिट करेगा दोबारा। तो ये जो री एमिशन है लाइट की, ये री एमिशन किसकी है? उस लाइट की है जिसने एब्जॉर्ब, उस मटेरियल की है जिसने इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब किया है। सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं की, उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब किया है। अब जब अगेन ये लाइट इमेट होगी, री इमेट होगी उसी मीडियम से, तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएगी। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई ब्लैक कलर की गाड़ी है उसको खड़ा कर दिया है धूप के अंदर और उसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है, बहुत ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है, मतलब हीट अप हो गई है, तो उसके बाद जब आप उसे छांव में लेके जाएंगे तो वो उसी एनर्जी को जो उसने एब्जॉर्ब की होगी उसे री इमिट करना शुरू कर देगी, दोबारा से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएगी। सम ऑफ द स्कैटर्ड वेव्स। अब यहां पर हमने एक बात को माइंड में रखना है, ये पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द स्कैटर्ड वेव ट्रेवल पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट। मतलब अब ये मैं यहां पर दोबारा बना रही हूं, ये हमारे पास मीडियम था और कुछ जो लाइट थी यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कह रहा है कि आपके पास इंसिडेंट लाइट तो आई है, ठीक है, एब्जॉर्ब भी हो गई, जब इसने रीइमिट करना है तो इसमें से कुछ लाइट जो होगी वो पैरेलल जाएगी इस इंसिडेंट लाइट के। मतलब ये जो आपने इंसिडेंट लाइट, मैंने इसको अगेन सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो एरो बाहर की तरफ है ये स्कैटर्ड वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो होगी इंसिडेंट लाइट, ये जो स्कैटर्ड लाइट होगी, ये दोनों पैरेलल डायरेक्शन में भी हो सकती हैं। मतलब कुछ रेज ऐसी हो सकती हैं जो इस डायरेक्शन में जाएं जिसमें इंसिडेंट लाइट आई है, और डेफिनेटली होगा क्योंकि स्कैटरिंग जो है वो सारी डायरेक्शन में ही हो रही है। तो सच टाइप्स ऑफ लाइट आर नॉट इन फेज। तो ऐसी लाइट, ये पॉइंट्स मैं अगेन कह रही हूँ क्योंकि हमने इन्हें आगे लेकर चलना है इन पॉइंट्स को नेक्स्ट टॉपिक में, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सच टाइप्स ऑफ लाइट आर नॉट इन फेज ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब
हम बाकी लाइट्स की बात नहीं कर रहे, जो इधर जा रही है हम उसकी बात नहीं कर रहे, जो इस तरफ आ रही है हम उसकी भी बात नहीं कर रहे, इसकी भी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इनकी, इंसिडेंट की और स्कैटर्ड की, वो वाली स्कैटर्ड जो पैरेलल है इंसिडेंट के, ये कभी भी इन फेस नहीं हो सकती। अब इन फेस क्या है, आउट ऑफ फेस क्या है, इसे हम आगे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। एज द फेस चेंज, इन फेस अगर नहीं है तो इसका मतलब है वहां पर कुछ ना कुछ चेंजिंग आई है फेस में। तो अगर फेस चेंज हो गया है किसी भी लाइट का जो मीडियम के ऊपर पड़ रही है उसका, जब भी फेस चेंज होगा, ये बात माइंड में रखिएगा कि वहां पर स्पीड ऑफ लाइट में चेंजिंग आएगी। अब इसको मैं कैसे आपको समझाऊंगी कि लेट्स सपोज उसामा को कंसीडर कर लें। उसामा भाग रहे हैं, काफी ज्यादा स्पीड से भाग रहे हैं, तो आगे से क्या हुआ है, अदनान आ गए हैं। तो अदनान ने एकदम से उसामा को स्टॉप करने की कोशिश की है, तो उसामा जो है वो स्टॉप तो नहीं हुए, उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, क्योंकि वो तेज स्पीड से भाग रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने डायरेक्शन चेंज की है, उनका फेस चेंज हो गया, मतलब जिस एंगल से वो पहले से आ रहे थे उस एंगल से वो नहीं आए, उन्होंने अपना फेस चेंज कर लिया। और उसामा और अदनान के अलावा यहाँ पर आमिर और बाबर की एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, कि बाबर सामने आ गए हैं और आमिर भाग रहे हैं। तो फेस चेंज जैसे ही होगा, एंगल चेंज जैसे ही होगा, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमेशा कब चेंज होती है, जब फेस चेंज होता है हमारे पास। अब जब भी हमारे पास दूसरा रिजल्ट हम क्या निकालेंगे, जब भी हमारे पास फेस चेंज होता है तब हमारे पास एक और फिनोमिना होता है जिसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना ये हमारे पास, इंटरफेरेंस का नाम देते हैं हम उसे जब भी हमारे पास फेस चेंज आता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि हमने जो पीछे बात की है कि इन फेस है चीजें, आउट ऑफ फेस है, या हमारे पास थर्ड पॉइंट भी होता है जिसे हम कहते हैं फेस शिफ्ट, तो ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इनका मतलब क्या है। अब क्योंकि हम लाइट वेव की बात कर रहे हैं और आपको पता है वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। वेव को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसका ये जो है रेफरेंस पॉइंट होता है, और ये हमारे पास पॉजिटिव साइकिल होता है, इसको हम कह देते हैं ये नेगेटिव साइकिल है, ये जो लाइन है ये हमारी रेफरेंस लाइन होती है। और इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्रस्ट है, और रेफरेंस लाइन से जो नीचे वाला पॉइंट है ये ट्रफ है हमारे पास। ओके, तो पहले हम डिस्कस करते हैं इन फेस को। इन फेस का क्या मतलब होता है कि आपके पास इंसिडेंट लाइट जो है, जैसे हमने कहा इंसिडेंट और स्कैटर्ड अगर पैरेलल हैं तो वो इन फेस नहीं होंगे। इन फेस का मतलब है कि आपकी इंसिडेंट लाइट, ये जो मैंने अब बनाई है इसको इंसिडेंट लाइट का नाम दे देते हैं, और ये जो हमारे पास दूसरी वाली है इसे हम दे देते हैं रिफ्रेक्टेड लाइट, जो दूसरी स्कैटर्ड होके आ रही है उसका नाम दे देते हैं। इन फेज का मतलब क्या होगा कि अगर दो वेव्स हैं आपके पास, वन और इसको नाम दे देते हैं टू का, ये जो दोनों वेव्स हैं अगर ये सेम पॉइंट पर आ रही हैं, मतलब इसका जो क्रस्ट है, पहली का जो क्रस्ट है वो दूसरी के क्रस्ट के ऊपर है, पहली का जो क्रस्ट है वो दूसरी के क्रस्ट के ऊपर है, ये देखें आप, ये जो दो वेव्स हैं दोनों का जो क्रस्ट है वो एक दूसरे के ऊपर है, और यहां पर ये जो दोनों का ट्रफ है लोअर पॉइंट का वो एक दूसरे के ऊपर है। तो कोई भी ऐसी दो वेव आपस में जब सुपर इम्पोज हो, इस तरीके से सुपर इम्पोज हो कि उनमें एंगल चेंज ना आए। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास कोई भी एंगल चेंज नहीं आ रहा इस केस में, मतलब क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर है, ट्रफ ट्रफ के ऊपर है, कोई चेंज नहीं है, इसको हम कहते हैं ये केस इन फेस है।
अब हम बात करते हैं आउट ऑफ फेज की। आउट ऑफ फेज का क्या मतलब होता है कि हमारे पास एक वेव है और जो दूसरी वेव आ रही है, इसको मैं वन का नाम दे रही हूँ, और जो दूसरी वेव आ रही है वो इस तरह से आ रही है। अब ये सेकेंड वेव है हमारे पास। अब देखें यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, इसका जो क्रस्ट है वो आ रहा है सेकेंड वेव के ट्रफ के ऊपर। तो इस तरह से जो हमारे पास आता है केस, उसे हम कहते हैं आउट ऑफ फेज, या इसे अगर हम फेज शिफ्ट का नाम दें, ये मैं आपको नेक्स्ट समझाती हूँ। फेज शिफ्ट हमारे पास क्या होता है? फेज शिफ्ट का हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक वेव है, दूसरी वेव हमारे पास इस तरीके से आ रही है, मतलब ये क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर नहीं है, एक वेव आगे है और दूसरी वेव पीछे है, तो इसके दरमियान में एंगल डिफरेंस कितना आया? हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ फिर आपको सही समझ आएगा। तो यहां से लेके इस क्रस्ट से लेकर इस क्रस्ट तक, ये जितना भी फेस शिफ्ट है यहां तक, ये जो फेस शिफ्ट है ये आपने वैसे प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, इसको हम कहेंगे ये वाला जो केस है ये कहलाता है फेस शिफ्ट। मतलब इसका जो 90 डिग्री है वो यहाँ पर है, वन वेव का 90 डिग्री इधर है, तो इसने एक लीड कर रही है और एक लैग कर रही है, फेस शिफ्ट इनमें आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं इस केस में, ये जो हमारा सेकेंड वाला केस था, इस केस में अगर मैं देखूं इसे फेस शिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफाइन करेंगे आउट ऑफ फेस, तो ये है इसमें जो फेस शिफ्ट आ रहा है एक यहाँ से यहाँ तक पहली वेव है, दूसरी वेव जो हमारी है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें दोनों वेव्स के दरमियान में जो फेस शिफ्ट आ रहा है वो 180 डिग्री है। आप कह सकते हैं कि ये आउट ऑफ फेस है और फेस शिफ्ट इसमें 180 डिग्री का आ रहा है, इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। पीछे हमने डिस्कस किया इन फेस, आउट ऑफ फेस और फेस शिफ्ट को, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। तो कंस्ट्रक्टिव कब होगी, डिस्ट्रक्टिव कब होगी हमारे पास? जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, अगर हमारे पास क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर ही हो, जैसे ये वाला केस है हमारे पास, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी हमारे पास, तो हमें स्क्रीन के ऊपर एक ब्राइट स्पॉट नजर आएगा, मतलब रोशनी नजर आएगी। और दूसरा जो केस है हमारे पास वो क्या है कि अगर हमारे पास एक वेव इस तरीके से है, दूसरी वेव हमारे पास ऐसे आ रही है, इसमें सिर्फ हम दो केसों को डिस्कस करते हैं, केसेस को डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में, आउट ऑफ फेज 180 डिग्री और इन फेज। तो आउट ऑफ फेज जब 180 डिग्री है तो इसका मतलब है ये जो क्रस्ट है इसका, ये दूसरी वेव के ट्रफ पर आ रहा है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी किसी केस में होती है, वहां पर हमें डार्कनेस नजर आती है, डार्क स्पॉट नजर आता है स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ हमने इंटरफेरेंस को भी डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम स्पीड ऑफ लाइट मैटर में जब डिस्कस कर रहे थे तो वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट पड़ रही है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इंसिडेंट लाइट कौन सी है, ये येलो कलर भी हो सकता है, ये ऑरेंज कलर भी हो सकता है, ये रेड कलर भी हो सकता है, ये ब्राउन कलर भी हो सकता है, ये कोई भी विजिबल कलर जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, गॉयर का वर्ड पढ़ाया था, उसमें से कोई भी ये कलर हो सकता है। ठीक है, हर जो लाइट है, आपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो हर लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी दूसरी से डिफरेंट है, मैच नहीं करती किसी भी कलर की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो इंसिडेंट लाइट जो भी है हमारे पास, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ मैं एटम की बात नहीं कर रही, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ, वो अपनी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, मतलब स्पेसिफिक वेवलेंथ उसकी, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं। जो इंसिडेंट लाइट होती है, हर एक की हमारे पास
स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जिससे वो ऑसिलेट कर रहे, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। फेज ऑफ री एमिटेड वेव मतलब जो हमारे पास वेव री इमिट हो रही थी एब्जॉर्प्शन के बाद, उसका जो फेस है वो आउट ऑफ फेस तो है अगर वो पैरेलल है इंसिडेंट के, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑफ एटॉमिक ऑसिलेशंस। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, एक मटेरियल के ऊपर मैंने आपको कहा था लाइट गिराएं, तो ये जो मटेरियल है, अब आपको पता है ये कोई भी एल्यूमिनियम हो जाएगा या कोई भी मटेरियल, कोई भी कंडक्टर, इंसुलेटर, जो भी आप कह रहे हैं, वो बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है। हर जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है। लाइट का आपको पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, लाइट एनर्जी पैकेट से मिलकर बनती है जिसे हम कहते हैं फोटॉन्स। अब यहाँ पर आपने लाइट गिराई, मतलब कुछ ना कुछ आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हमने इनको, ये जो एटम्स थे, इनको एनर्जी मिली, तो ये जिस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से ये एनर्जी आ रही है, ये उसी के अकॉर्डिंग जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे एटम्स। एटॉमिक ऑसिलेशन जो है वो हमें बताएगी कि यहाँ से जो वेव है, जो वापिस आनी है वेव, जिसको हमने ऑब्जर्व करना है, वो किस स्पीड से आएगी। फेस चेंज तो डेफिनेटली होगा, इन फेस भी होंगी कुछ वेव्स, आउट ऑफ फेस भी होंगी, लेकिन ये जो स्पीड है लाइट की, ये डिपेंड करेगी इन एटम्स की एटॉमिक ऑसिलेशंस के ऊपर, मतलब अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते हैं ये, तो उस वाइब्रेशन के ऊपर ये डिपेंड करेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है मैटर के अंदर डिपेंड करती है किस किस चीज़ के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर हम बात करते हैं वेवलेंथ की। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दो पॉइंट ऐसे हैं जिसके लिए, जिसके ऊपर ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये डिपेंड करती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर, आप जनरल कहते हैं कि हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशन से भी, v इज इक्वल टू f लैम्डा, अगर मटेरियल स्पेसिफाई नहीं किया गया तब। सो ये जो सारा फिनोमेना है इसे हम डिस्पर्शन भी बोलते हैं, कि लाइट का डिस्पर्स हो जाना डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रही हूँ, इसी से रिलेटेड है, जो हमने आज फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, ये प्रॉब्लम बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, अगर समझ ना आए तो मुझसे लाजमी पूछना है आपने। ओके, समझा देती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगी कि आपने इसमें फाइंड आउट क्या करना है। द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ येलो कलर, येलो कलर दिया हुआ है उन्होंने, और मीडियम क्या है, वाटर है। ये 2.26 मीटर पर सेकंड है स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी जो वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर है। एंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, 5.09 हर्ट्ज है। फाइंड द इफेक्टिव, ये वैल्यूज जो हैं ये मैंने चेंज की हैं थोड़ी सी, मतलब जो अगर आप इसे मैच करेंगे ना इनकी वेवलेंथ के साथ, जो मैंने आपको पढ़ाई थी ये उनके साथ मैच नहीं होंगे, इनकी पावर मैंने स्किप किया इधर से। फाइंड द इफेक्टिव डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के लिए डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करें, आपने इसमें फाइंड आउट करना है के की वैल्यू। अब के कौन सा होगा, ये आपके पास इफेक्टिव इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा के ई। यहाँ तक मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आगे आपने खुद वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस के ई की। के ई की क्या वैल्यू होगी ये आप मुझे बताएंगे मीटिंग रूम में, अगर ये सॉल्व ना हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। तो आज के लेक्चर में हमने रिवीजन की है सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर की, उसके बाद हमने स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर डिस्कस किया, उसकी कैलकुलेशंस की, और फिर हमने उसकी फिजिक्स को डिस्कस किया है। तो अगर आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा, और ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको दिया है ये आपने लाजमी सॉल्व करना है। ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम्स पेपर में लाजमी आते होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज़।